हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे हो, ये चार्ट लगा है एनपी का, ठीक है। तो हम लोग चार्ट रीडिंग में ये चीज़ ज़रूर ऐड करेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई लेवल है और लेवल जस्ट इसके ऊपर है और बहुत देर से मान के मतलब रेंज बनाया हुआ है, सपोज दैट आपका यहाँ का ही लेवल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो कभी भी अगर आपके अकॉर्डिंग यहाँ लेवल है या फिर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ एक लेवल है, तो कभी भी हम लोग इस तरीके से नहीं कि इतना इतना देर जो मार्केट यहाँ पर रेंज में है, इस रेंज को देखकर डर जाएंगे और क्या करेंगे कि अपना ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। ऐसा कभी भी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर लेवल है और लेवल के जस्ट ऊपर मार्केट काफी देर से रेंज में है, जस्ट लाइक इस टाइप से, तो वहां पर डबल कंफर्म करता है मार्केट कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर अपना इस लेवल के जस्ट नीचे यही रेड कैंडल को एसएल जरूर रखेंगे, ठीक है। एसएल रखना भूलिएगा मत, ठीक है। ये रेड कैंडल हमारा एसएल जरूर रहेगा, ये रेड कैंडल आपका ऐसा जरूर रहेगा, लेकिन बस ध्यान रहेगा यही कि यहाँ पर जब इतनी देर रेंज है और अपने इस लेवल के ऊपर ही सारा कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है, देन ये डबल कंफर्म कर रहा है और हम लोग अपसाइड के ट्रेड को टाइटली होल्ड करके रखेंगे और देखिए किस तरीके से आपको टारगेट मिलता है। सी, देख रहे हैं, अगर इसे मेजर किया जाए पॉइंट वाइज, तो आप पॉइंट वाइज भी मेजर करके देख सकते हो। पॉइंट वाइज अगर आप मेजर करते हो तो पॉइंट वाइज मेजर करके भी देख सकते हो पर 0.55, ओके। तो कभी भी इस तरीके से रेंज रहे और लेवल के ऊपर के ही कैंडल की क्लोजिंग हो रही है तो ट्रेड को स्क्वायर ऑफ मत कीजिए। हाँ, रेंज से अगर आपको डर लग रहा है कि बहुत देर से रेंज है, प्रीमियम डीके हो रहा है, वैसे केस में आप कर सकते हो स्क्वायर ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर में हो तो बेटर हो ये रेड कैंडल एसएल के साथ, ओके। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।